डेट इज 8 जुलाई। ओके, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेट बता देंगे। आज कौन सी डेट है, 8/08/07/20। ओके, आज कौन सी डेट है, 8 जुलाई। ओके, आज हम सब्जेक्ट कौन सा पढ़ेंगे, इंग्लिश। आज सब्जेक्ट कौन सा पढ़ेंगे, इंग्लिश। सब्जेक्ट इंग्लिश। स्टैंडर्ड आप कौन सी क्लास में पहुंच गए, सीनियर केजी। सीनियर केजी आप कौन सी क्लास में आ गए, स्टैंडर्ड सीनियर केजी। ओके, और आज का दिन 8 जुलाई, वेनसडे। ओके, सब्जेक्ट इज इंग्लिश, स्टैंडर्ड इज सीनियर केजी। आपको डेली ब्लैकबोर्ड पे से देखना है आज हमारा डे कौन सा है। आप जूनियर के जी में भी आपने संडे वनडे याद किए थे ना, संडे इज अ हॉलीडे। कल जैसे संडे था तो संडे इज अ हॉलीडे। संडे के बाद कौन सा डे आता है, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो आज कौन सा डे है, वेनसडे। ओके, आज वेनसडे को हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इंग्लिश। लास्ट वीडियो में हमने इंग्लिश में गुड हैबिट्स, गुड मैनर्स पढ़ा था। आई होप आपने उसको लर्न किया होगा। आज भी हम गुड हैबिट्स और गुड मैनर्स पढ़ेंगे। पहले अपना सब्जेक्ट रिवाइज कर लेते हैं, अल्फाबेट्स। ओके, उसके बाद हम गुड हैबिट्स और गुड मैनर्स करेंगे। इंग्लिश में आपको जूनियर केजी में भी आपको अल्फाबेट्स कराए थे, कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट्स कंप्लीट कराए थे। आई होप आपको आ गए होंगे। और स्मॉल अल्फाबेट्स अगर इनकम्प्लीट है तो आप अभी से उसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे तो हमको याद आएंगे। पहले मैं कैपिटल अल्फाबेट्स लिखूंगी, फिर आपको स्मॉल अल्फाबेट्स लिखूंगी। ओके, और रफ नोटबुक सीनियर केजी में आ गए हो आप सीनियर हो गए। जूनियर केजी की नोटबुक में पीछे के पेजेस में आप रफ में प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, हम पहले लिखेंगे कैपिटल अल्फाबेट। And for nest, O for orange, P for
Y for yam. Z for zebra. Z for zebra. Okay? These are capital alphabets. Okay? देखिए, a capital alphabet को always write in red to blue line. Okay? Then हम ये capital alphabets को हम किस में लिखते हैं? Four line और two में लिखते हैं. और start कैसे करते हैं? Red to blue line में start करते हैं. Okay? अभी हम only orally करते हैं. Oral करते हैं. ओरल भी आपका 20 मार्क्स का होता है. ओरल भी कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का होता है. ओके, लास्ट एक बार कैपिटल अल्फाबेट्स करते हैं, फिर हम लें स्मॉल अल्फाबेट्स. ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर गन, एच फॉर मैन, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जोकर, के फॉर काइट, एल फॉर लोटस, एम फॉर मैंगो, एन फॉर नोर, ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पैरट, यू फॉर ट्यूलिप, आर फॉर रैबिट, एस फॉर शिप, टी फॉर टाइगर, यू फॉर अम्ब्रेला, वी फॉर वैन, डब्ल्यू फॉर वॉच, एक्स फॉर एक्सट्री, वाई फॉर याक, जेड फॉर जेब्रा. जेड फॉर जेब्रा. ओके, दीज आर कैपिटल अल्फाबेट्स. ओके, नेक्स्ट इज स्मॉल अल्फाबेट्स. Small alphabet, write
ओके। और आप टाइम वेस्ट किए हुए, मम्मी का वेट किए हुए, पापा का वेट किए हुए, आप अपनी नोटबुक में आज की डेट, जैसे मैंने आज की डेट क्या डाली है, 8 जुलाई डाल के आज का आप होमवर्क स्टार्ट कर दीजिए। ओके, आज हम नया फिर से टॉपिक पढ़ेंगे, गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर्स। आप छोटे बच्चे हो, मम्मी आपको गुड मैनर्स सिखाते हैं कि जब उठते हैं फिर जल्दी उठना चाहिए, उठ के भगवान को प्रे करना चाहिए, फिर रेडी होके स्कूल जाना चाहिए, सिखाती ना ऐसे, मैं भी सिखाऊंगी आपको। ओके, ऐसा नहीं है कि रात में जब आप बैग पैक कर रहे हैं तब आपको याद आ रहा है कि मेरा
का लेसन कम्प्लीट है, कल मुझे मैडम पनिश करेंगे, उससे पहले ही आप अपने घर जाके थोड़ा रेस्ट करके लंच करने के बाद अपना होमवर्क लेसन कंप्लीट करके बैग पैक करके रख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज आई मस्ट वॉश माई हैंड बिफोर ईटिंग, और खाना खाने से पहले अपने हाथ को अच्छी तरह वॉश कर लेने चाहिए ताकि खाना खाते टाइम हमारे हाथ से कोई डस्ट मुंह में ना चले जाए। तो हमेशा खाना खाने से पहले, आप खाने को टच करने से पहले अपने हैंड वॉश करिए, क्योंकि आप सुबह से कुछ भी चीज़ को टच करते रहते हैं, आपके हाथ में डस्ट लग जाती है और उसी हाथ से हम खाना लेके मुंह में डालेंगे तो हमको इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले खाना खाने से पहले हमको हैंड वॉश करने चाहिए। नेक्स्ट इज आई मस्ट नॉट ड्रॉप फूड व्हाइल ईटिंग, हमको आई मस्ट ईट स्लोली, हम जब हम खाना खाते हैं तो एक तो खाना हम स्लोली स्लोली खाएंगे, धीरे धीरे ऐसा हम करके नहीं खाएंगे, हम खाना स्लोली स्लोली खाएंगे और खाने को ऐसे ऐसे फेंकेंगे नहीं। वो बहुत बैड हैबिट्स होती है जो खाने का मिस यूज करते हैं वो, क्या आपको अगर वन रोटी खानी है तो वन चपाती ही लीजिए, लिटिल राइस खाना है तो लिटिल राइस लीजिए, लेकिन वन वेस्ट फूड, ओके। आई मस्ट नॉट डैमेज फर्नीचर एंड स्क्रेबल ऑन द वॉल्स, और अपना जो घर का फर्नीचर हो या स्कूल का फर्नीचर हो, टेबल हो, कुर्सी हो, उसको कभी भी डैमेज नहीं करना चाहिए और उसको साफ रखना चाहिए। और जो आपके स्कूल की जो वॉल होती है उसमें कई बच्चे पेंसिल से लिटी कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, अपनी वॉल गंदी हो जाती है। हमने इसके चीज पेंट करी होती है तो उसको वॉल को, घर की भी वॉल पेंट करी होती है और वो गंदी हो जाती है, तो हमको कभी भी अपने घर की वॉल को ऐसे स्क्रेबल नहीं करना चाहिए, लाइनिंग लिटी नहीं करनी चाहिए। आपको शौक है कलर करने का तो आप कलर पेपर में ड्राइंग की बुक आती है, ड्राइंग की बुक में आप कलर करिए। आई मस्ट लर्न टू प्रे टू गॉड बिकॉज ही हैज गिवन मी ऑल गुड थिंग्स, और हमको सबसे पहले उठ के क्या करना चाहिए, गॉड को हाथ जोड़ना चाहिए, भगवान आज का दिन हमारा अच्छा रहे, हमको जो भी टीचर पढ़ाए वो सब कुछ अच्छी तरह लर्न बाय हार्ट हो जाए। आप भगवान से प्रे करेंगे आपको भगवान सब कुछ देंगे, ठीक है, ओके। तो दीज आर गुड हैबिट्स, आपको ये फॉलो करने चाहिए अपनी लाइफ में। अभी आप बहुत छोटे हैं, अभी छोटे से आप फॉलो करेंगे तो जब तक बड़े होंगे तब तक आपको वही हैबिट्स रहेगी। आप अगर सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, आप बड़े हो जाएंगे तो आप बड़े तक आप जल्दी उठेंगे, सुबह आपको ब्रश करके नहाने की हैबिट्स होगी तो आप अर्ली मॉर्निंग उठ के नहा के ब्रश करके क्लीन कपड़े पहन के कॉम करके अच्छी तरह यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, ओके। जैसे आप शुरू से स्टार्ट करेंगे आप एंड तक वैसे ही हैबिट्स में बने रहेंगे और गुड हैबिट्स ऑलवेज फॉलो, ओके। तो ये आज आपका होमवर्क है कि ये गुड हैबिट्स आप सबको फॉलो करनी है, इस आपके कहीं नहीं जाना है, जॉय ऑफ नर्सरी में पीछे लिखा हुआ है, आपको उसको देख के फॉलो करना है। मैं भी आपको डेली गुड हैबिट्स, माई सेल्फ, माई फैमिली, माई स्कूल सब इंग्लिश में लर्न कराऊंगी, ओके। और आज का होमवर्क क्या दिया था मैंने, अल्फाबेट्स ए टू जेड, कैपिटल एंड स्मॉल, एंड गुड हैबिट्स, से सेफ एंड सेफ।